नमस्कार दोस्तों दोस्तों हर ब्लॉगर की यही कोशिश होती है कि वो अपने ब्लॉग का स्कोर 100% रख के सीईओ का। तो यहाँ पर कुछ हिंदी ब्लॉगर होते हैं, उनको सीईओ की नॉलेज नहीं होती, तो उन यूज़र को ध्यान में रखते हुए उनको बताएंगे कैसे हम योस्ट प्लगइन यूज करके अपने सीईओ को 100% रख सकते हैं। जैसा कि हम कंटेंट डालते हैं तो योस्ट प्लगइन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कुछ लाइटें यानी कि सिग्नल यहाँ पर इस प्रकार रहते हैं, है ना। तो कुछ ना कुछ मिस्टेक कर जाते तो उनकी प्रॉपरली तरीके से नहीं होती, है ना। कुछ रेड हो जाते हैं, कुछ ऑरेंज हो जाती है, लेकिन ग्रीन सिग्नल पूरी तरीके से नहीं हो पाता। तो ये एक यूस्ट प्लगइन का सिग्नल होता है कि आपके कंटेंट का सीईओ ठीक से नहीं हुआ है, आप इसको ऑप्टिमाइज़ कीजिए। अब ऑप्टिमाइज़ करने की बात आ जाती है तो उनको समझ नहीं आता आखिर हमें करना क्या है। तो ये वीडियो में आपके सारे क्वेश्चन जो भी आपकी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएंगे। बस आप अगर हिंदी ब्लॉगर हो तो इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आपके सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं यूज से रिलेटेड। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। तो हम शुरू से आपको स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले हम इस कंटेंट को ले लेते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं, ठीक। यानी यहाँ पर इसे हम पब्लिश नहीं करेंगे, केवल आपके आपको समझाने के उद्देश्य से इसे हम केवल यहाँ पर ऑप्टिमाइज करके दिखाएंगे। इसको पेस्ट कर देते हैं कंटेंट को, ओके। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ नहीं आएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें ब्लैंक हैं। अब हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं इसका काम। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका कंटेंट मतलब किससे रिलेटेड, मेरा है कंप्यूटर डेफिनेशन हिंदी यानी कंप्यूटर की परिभाषा क्या है। यहाँ पर आपको अपना एक फोकस कीवर्ड बनाना होगा, ठीक है। तो हम पहले टाइटल बनाते हैं और टाइटल की लेंथ होना चाहिए आपकी, यहाँ पर लेंथ मैं आपको बता देता हूँ मेरी लेंथ कितनी है। मैं जाता हूँ ट्रांसलेट के अंदर एंड पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पर 16 है, आप 55 से लेकर 16 तक रख सकती हो, ठीक है। तो इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। पहला काम टाइटल हमारा फिक्स हो चुका है, आपका टाइटल आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात आपके फोकस कीवर्ड को विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर हम पहला चुनाव करेंगे फोकस कीवर्ड का। तो फोकस कीवर्ड सिलेक्ट करते हैं, हमें कंप्यूटर डेफिनेशन इन हिंदी को फोकस कीवर्ड बनाना है, ठीक है। तो सिंपल सा इसको कॉपी करते हैं, ओके, नीचे जाते हैं, यहाँ पर फोकस कीवर्ड को पेस्ट कर देते हैं। जैसे ही पेस्ट करेंगे यहाँ पर लाइट का सिग्नल आ जाएगा, अभी ये ऑरेंज है। नीचे जाते हैं और इस पर क्लिक करते हैं, तो देखिए यहाँ पर की प्रेस एंड इंट्रोडक्शन, ठीक है, वेल डन, की प्रेस लेंथ गुड जॉब, की प्रेस डेंसिटी एंड टेक्स्ट लेंथ एंड की प्रेस टाइटल एंड सीईओ टाइटल, इनको सबको हम एक्सप्लेन करेंगे धीरे धीरे, आपको आगे समझ आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ऊपर जाते हैं। देखिए दोस्तों जब आप कोई भी कंटेंट लिखें, जैसे मैंने कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है, आपका फोकस कीवर्ड पहले पैराग्राफ में आना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो गई, पहले पैराग्राफ पे होना चाहिए आपका। दूसरी बात यहाँ पर आपके टेक्स्ट की लेंथ 300 प्लस होना चाहिए कैरेक्टर, ठीक है। 300 अभी हमारे 43 हैं, ठीक है, 413 है, 413 शब्द इसके अंदर, ठीक है। तो इससे आप 300 से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, 300 वर्ड से एबव होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, नहीं आपका सिग्नल ग्रीन हो पाएगा, ठीक। तो यहाँ पर हमने दो बातें आपको, आपको फोकस कीवर्ड पहले पैराग्राफ में रखना है, दूसरा आपका कंटेंट कितना रखना है, आपका कंटेंट रखना है यहाँ पर 300 वर्ड्स प्लस, 300 शब्दों से ज़्यादा, ओके। एंड यहाँ पर आपका जो URL है, URL आपका फोकस कीवर्ड होना चाहिए URL में। तो यहाँ पर फोकस कीवर्ड हमने कौन सा डाला, ये, तो हम इसी को कॉपी करेंगे और ठीक है चलिए नीचे आते हैं। फिर यहाँ पर आउटबाउंड लिंक्स, आपको आउटबाउंड लिंक बनाना है, आउटबाउंड लिंक आपके कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर डेफिनेशन क्या है, हिंदी है, तो मैं इसको यहाँ पर गूगल में डालूँगा,
और या यहाँ पर मैं ले लूँगा डेफिनेशन इन हिंदी। यहाँ पर मैं किसी वेबसाइट को लिंक नहीं दूंगा, यहाँ पर हम ऐसा करते हैं, कंप्यूटर डेफिनेशन डालते हैं। नीचे जाते हैं, हम विकिपीडिया ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पर आपने अपने कंटेंट से रिलेटेड यहाँ पर एक आउटबाउंड लिंक देना है, यानी बाहर की किसी वेबसाइट का लिंक देना है। हम यहाँ डाल देते हैं, लिंक पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, इतना कर देते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं आउटबाउंड लिंक कंप्लीट हो गई। देखिए यहाँ पे आउटबाउंड लिंक आ गई, गुड जॉब। इंटरनल लिंक, आपको एक अपना इंटरनल लिंक डालना है और इंटरनल लिंक आपके इस कंटेंट से रिलेटेड होना चाहिए। आप 3 से 4 तक डाल सकते हैं, मैं यहाँ एक ही डालूंगा। तो मैं कंप्यूटर का कोई देख लेता हूँ, कोई मेरे पास आर्टिकल है तो मैं इसी का ही लिंक डालूंगा। ठीक है, आपको और कोई नहीं डालना, इससे रिलेटेड डालना ही। ठीक है, तो व्यापार क्षेत्र में कंप्यूटर कहाँ कहाँ पर उपयोग किया, तो मैं ये ले लेता हूँ कंप्यूटर से रिलेटेड आके। ठीक है, ये डाल देते हैं, नीचे चलते हैं। तो देखिए यहाँ ये भी ग्रीन हो गया। अब यहाँ पर है मेटा डिस्क्रिप्शन, कोई नहीं तो सिंपल हम यहाँ से कंटेंट ले लेते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। दोस्तों मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको सबसे पहले इसको कॉपी करना है, या आप टाइटल को कॉपी कर लेंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन में आपको ध्यान रखना है फोकस कीवर्ड आना चाहिए, है ना। तो फोकस कीवर्ड क्या है हमारा, कंप्यूटर डेफिनेशन इन हिंदी। देखिए ये फोकस कीवर्ड में है ना। अब हम इसको डैश लगा देंगे और यहाँ से थोड़ा सा कंटेंट ले लेंगे कंप्यूटर, यहाँ पर ले लेंगे कंप्यूटर एक लगे जो मनुष्य के द्वारा बनाई गई है। ठीक है, ये ले लेंगे कॉपी। देखिए इतना हो गया। ठीक, अब आएंगे नीचे, देखिए डिस्क्रिप्शन भी हो गई। इमेजेस, यहाँ पर एक पॉइंट है इमेजेस का, तो यहाँ पर रेड है, हम इसको भी क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर ले लेते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं टाइटल को ही, और फोकस कीवर्ड भी हम इमेजेस में यूज करेंगे। तो सिंपल से सेटअप जाते हैं, सेटअप इमेजेस को। यहाँ पर अभी फिलहाल हम एक इमेजेस ले लेते हैं, यही ले लेते हैं। और यहाँ पर एट ऑल टेक्स्ट सिंपल सा इसमें पेस्ट करेंगे अपने फोकस कीवर्ड, यानी पूरे टाइटल को कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, फोकस कीवर्ड होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। तो सेटअप फीचर में नीचे आते हैं, तो यहाँ पर देखिए सारी ग्रीन हो चुकी है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्यों नहीं हुई मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल सा ये कंटेंट में पहले से ही इसको कॉपी करके रखा हूँ, URL 1 पहले हो चुका है, ये URL यहाँ पर 2 हो चुका है, तो इसके वजह से नहीं आई। मैं कोई नया कंटेंट लिखूँगा तो ये इस तरह की मुझे एरर नहीं आएगी, आप समझ गए। ठीक, अब बाकी और आपको एक बार और समझा दें, SEO टाइटल बेथ। अब मैं नीचे से समझा रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है SEO टाइटल बेथ। आपका टाइटल, मैंने आपको बताया गुड जॉब क्यों आ रहा है, हमने यहाँ पर SEO का टाइटल 55 करेक्टर से लेकर 60 करेक्टर तक लिखा है बीच में, इसलिए यहाँ पर स्कोर इसका हो गया है कितना, ग्रीन हो गया है। सही आया, वेल डन, ग्रीन मतलब ग्रीन सिग्नल मिल गया। हम इसको कम करते हैं, चलिए हम इस करेक्टर को हटा देते हैं। अब दिखाते हैं आपको SEO स्कोर की हालत क्या है, सॉरी एंड टाइटल की हालत क्या है। देखिए टाइटल आ गया, SEO टाइटल विद शॉर्ट आ गई। तो यहाँ पर टाइटल का ये हालत हो जाएगी अगर आप यहाँ पर छोटा टाइटल डालते, आपको टाइटल बड़ा रखना है और टाइटल की लेंथ आपको यहाँ से आपको चेक कर लेनी है। देखिए यहाँ से मैंने चेक की, सही है मेरी। ठीक है, तो काउंटर से आप कर सकते हो। एंड यहाँ पर मैं और कम कर दूंगा टाइटल की, ये इतना ही कर दूंगा कंप्यूटर डेफिनेशन। तो टाइटल की देखिए यहाँ पर रेड आ जाएगा, बेकार टाइटल। तो टाइटल को ऑप्टिमाइज करना है ना, तो टाइटल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए आपको टाइटल का इतना रखना है आपको 50 से 60 करेक्टर बीच में, है ना। फिर सेकंड पे आते हैं की प्रेस टाइटल, की प्रेस यहाँ पर मैं स्पेलिंग कुछ मिस्टेक बोल रहा हूँ, कोई नहीं, आप ये समझ लेना क्या है लिखा है। की प्रेस इन टाइटल द एग्जैक्ट मैच ऑफ द फोकस कीवर्ड, फोकस की प्रेस अपेयर द बिगनियन ऑफ द SEO टाइटल गुड जॉब। देखिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मैंने शुरुआत में जो फर्स्ट पैराग्राफ होता है वहाँ मैंने इसको यूज किया है फोकस कीवर्ड को। अगर मैं ये हटा दूंगा तो देखिए कंडीशन क्या हो जाएगी, मैंने हटा दिया, इसे आते हैं
देखिए कंडीशन हो गई पूरी ख़राब। क्या लिखा है देखिए, तो कहने का मतलब था दोस्तों यहाँ पर आपको फर्स्ट पैराग्राफ में अपना कीवर्ड को मेंशन करना है, ठीक है, इसलिए स्कोर कंप्लीट नहीं हो पाएगा आपको। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, फिर कंडीशन हमारी यहाँ पर ग्रीन हो जाएगी, है ना। चलिए फिर जानते हैं नीचे, आप नोट करते जाइए और अगर समझ नहीं आए तो दो तीन बार ये वीडियो को देखिए, आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएंगे। ये हिंदी कंटेंट की ब्लॉगर, हिंदी जो लिखती हैं कंटेंट लिखती हैं ब्लॉगर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसमें ऑब्वियसली बात है पूरा क्लियर कर देंगे आपका। टेक्स्ट लेंथ, तो टेक्स्ट लेंथ यहाँ पर कितना है, 4 to 5 words, ठीक है, गुड जॉब, बेस्ट है। तो मैंने बोला 300+ लिखना है आपको, 300+ से लिखेंगे तो क्या कंडीशन होगी वो भी आपको दिखा देते, तो हम इतना उड़ा देते कंटेंट को। ओके, नीचे आते हैं, टेक्स्ट लेंथ 22 वर्ड, यहाँ पर सॉरी 220, ठीक है, 220 वर्ड। देखिए क्या हालत होगी, रेड आ गए, तो ये कंडीशन आपकी इस तरह से आती है ना। तो आपको ये चीज़ों को ध्यान रखना है, इसलिए आप 300 से ऊपर लिखें, तो कि रिकमेंडेड बोल रहा है कि 300 से आप लिखिए, वर्ड ऊपर लिखिए 300 से। तो मैं यहाँ कंट्रोल जेड कर देता हूँ, देखिए कंटेंट फिर आ जाएगा मेरा, एंड अभी तक नहीं आया, कोई नहीं, कंट्रोल जेड फिर से करते हैं, तो आगे अब देखिए यहाँ पर हमारा काम हो जाएगा, ठीक। एंड फिर से मैं कंट्रोल जेड करूँ, ओहो यहाँ पर बहुत कंटेंट जेड हो गए, हाँ अब हो गए, ठीक है। यहाँ पर आउटबाउंड लिंक हट चुकी है, कोई नहीं, इंटरनल हट चुकी है, मैं फिर से डाल देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मॉडिफाई कर रहे हैं तो प्रॉब्लम हो रही है, तो ले लेते यही ले लेते हैं फिलहाल, कोई नहीं, हमारे ग्रीन दिखाने के लिए हमको, ठीक। तो यहाँ पर लेंथ हो गई हमारी बात, इमेज ऑल टैग, मैंने आपको बताया कि जब हम इमेज डालेंगे तो यहाँ पर फोकस कीवर्ड होना चाहिए, तो देखिए कंप्यूटर डेफिनेशन, हमने यहाँ फोकस कीवर्ड मेंशन किया है ना, तो आपको यहाँ पर फोकस कीवर्ड को मेंशन करना है। अगर मैं इसको हटा दूँगा तो देखिए क्या स्थिति हो जाएगी, इतने देखिए इमेज ऑल टैग एट्रीब्यूट नहीं है, ठीक है, इसलिए ये सिग्नल आ गया, ठीक है। तो आपको फोकस कीवर्ड रखना है इसके अंदर, ठीक है, तो ये रिपीट करके मैं आपको बताते जा रहा हूँ। एंड यहाँ पर की प्रेस मेटा डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, अगर मैं यहाँ से ये फोकस कीवर्ड को उठाता हूँ तो देखिए डिस्क्रिप्शन की क्या कंडीशन हो जाएगी, ठीक है। तो आपको डिस्क्रिप्शन डालते समय फोकस कीवर्ड को रखना है, है ना। तो मैं कंट्रोल जेड करता हूँ और ग्रीन करने के बाद अपना देख लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। डेंसिटी यहाँ पर ग्रेट जॉब यहाँ पर लिखा है, फोकस कीवर्ड 2 times, देखिए मैंने यहाँ पर फोकस कीवर्ड यहाँ लिखा है एक और दूसरा यहाँ लिखा है, इसलिए 2, अगर मैं इससे ज़्यादा लिखूँगा तो कीवर्ड डेंसिटी स्टफिंग हो जाएगी और डेंसिटी की जो दिखा रहा है वो रेड हो जाएगा। तो देखिए 1, 2, 3, ठीक है, हमने 3 times ले लिया, इससे आते हैं, सॉरी अभी नहीं दिखाएगा, कोई नहीं अब दिखाएगा, कोई नहीं, हम यहाँ से ही ले लेते हैं, अब तो दिखाएगा, एक और ले लेते हैं, शायद नेट का इशू है, इतने में तो ले लिया, हाँ ले लिया, देखिए ये कितना हो गया ये कीवर्ड डेंसिटी का, हम आपको दिखाते हैं क्या दिखा रहे हैं, द फोकस की प्रेस एंड फाउंड 8 times, ठीक है। तो यहाँ पर कीवर्ड डेंसिटी आपकी ज़्यादा हो गई है, तो आप इस कंटेंट में इसमें आप 3 से 4 कीवर्ड डाल सकते, कीवर्ड डाल सकते हैं फोकस कीवर्ड, 4 से ज़्यादा यूज ना करें, मैं 2 कर रहा हूँ, बेस्ट है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर लेंथ, ठीक है, की प्रेस लेंथ, ठीक है, की प्रेस इंट्रोडक्शन वेल डन, तो यहाँ पर जो हमने ये पैराग्राफ लिखी है बिल्कुल सही लिखी है, इसमें हमने फोकस कीवर्ड को सही तरीके से मेंशन किया है, ठीक। एंड यहाँ पर इंटरन लिंक, हमने इंटरन लिंक डाला है यहाँ पर अपनी वेबसाइट का, मतलब अपनी वेबसाइट का जो लिंक है वो डाल दिया है, जिसमें कोई भी पोस्ट आ सकती है। एंड आउटबाउंड लिंक, हमने इससे रिलेटेड आउटबाउंड लिंक दे दिया है, तो इसी वजह से हमारी ये ग्रीन पूरी हो चुकी है,
तो दोस्तों इस तरह से हम ग्रीन करते हैं इन लाइटों को यूस्ट्रीम में। और दोस्तों आप जब हिंदी लिखेंगे यहाँ पर तो आप हिंदी का यूआरएल कॉपी करके भी डाल सकते हैं, ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है। गूगल हिंदी को भी अच्छे तरीके समझ चुका है, इस पर काम भी कर रहा है, ठीक है, आगे चल के इसका बेनिफिट भी मिलने वाला है आपको, कोई दिक्कत नहीं है। आप हिंदी का भी यूआरएल बनाओ, कोई इशू नहीं है इससे, ठीक। एंड यहाँ पर आपके इस तरह से लाइटें ये ग्रीन हो जाएंगी, बस आपको जो मैंने स्टेप बताई उनको फॉलो करना है। और अगर आपको दिख रहा है कि ये रेड है तो आप पढ़ें उसको, आप गूगल ट्रांसलेट चेक करें आखिर ये क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो वहाँ पर आपको फिक्स करने के यहाँ पर समझ जाएंगे फिक्स कैसे होगी, ठीक है। और आपके जो SEO का स्कोर है वो 100% हो जाएगा और आप पोस्ट डालेंगे तो रैंक करेंगे, देखिए रैंक करेंगे। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल बताता हूँ, कोई कीवर्ड में रैंक कर रहा है तो मैं डाल देता हूँ डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार क्या है, देखिए डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार लिख देते, ओके बस इतना डाल देते, एंटर करते हैं। मेरी वेबसाइट फर्स्ट नंबर पे आ रही है ना, देखिए अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पर डिजिटल कंप्यूटर के प्रकार हो गए, प्रकार डिजिटल कंप्यूटर, एंटर करता हूँ, देखिए फर्स्ट आ रही है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर कोई भी मैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में लिख रहा हूँ, कैसे भी लिख रहा हूँ, स्पेलिंग इधर उधर करके भी लिख रहा हूँ, तब भी फर्स्ट नंबर पर दे रहा है गूगल, क्योंकि मैं SEO का स्कोर 100% रखता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से हम यूस्ट प्लगइन में हिंदी कंटेंट का SEO स्कोर 100% करते हैं एंड ग्रीन लाइट करते हैं उसकी सभी, और उनकी जो एरर है उनको फिक्स किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा हो दोस्तों, इसी तरह की हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। ओके फ्रेंड, थैंक्स एंड बाय बाय।